हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कल्लू डोसा आयरन तवा के सीजनिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये तवा साउथ इंडिया में बहुत ही मशहूर है और मैंने इसे ऑनलाइन 600 रुपये में मंगवाया है। जिसे डोसा पसंद हो उसको इस तवा को ज़रूर रखना चाहिए अपने पास। इस पर डोसा बहुत ही मज़ेदार बनता है, साथ ही बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत क्रिस्प बनता है। और वैसे भी नॉन स्टिक पर डोसा बनाना सेहत के लिए हानिकारक है। नए तवे की शुरुआत करने से पहले हमें इसकी सीजनिंग करना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए मैंने तवा पर सरसों का तेल और नमक से घिसाई करके इसे रात भर छोड़ दिया था। तवा के सरफेस को स्मूथ करने के लिए घिसाई करना ज़रूरी होता है। अब एक मोटे कपड़े पर विम बार लगाकर फिर से मुझे इसे घिसना है। कम से कम 6-7 मिनट तक इसे फिर से घिसना है। धुलाई और घिसाई की ये प्रक्रिया हमें लगभग 3 बार करनी है। तो इसे खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर घिस लेने से नमक और तेल का दाग भी हट जाता है और सरफेस चिकना हो जाता है। अब इसे रनिंग वाटर में खूब अच्छी तरह से धो लेना है। तो इसको धोने के लिए हमने बेसिन में डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद हमें इसे फिर से 12-14 घंटे के लिए चावल के पीच या माड़ में डुबो कर रखना है। तो इसके लिए मैंने सिंक में चावल का माड़ भर लिया है और अब हमें तवा को डुबा कर लगभग 12-14 घंटे तक इसी में पड़ा रहने देना है। ये सारा प्रोसेस थोड़ा मेहनत वाला और वक्त लेने वाला होता तो है, लेकिन एंड रिज़ल्ट जब मिलता है तो आप अपनी थकान भूल जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही मज़ेदार डोसा खाने को मिलता है, वो भी बहुत कम मेहनत के साथ। तो अच्छा, तो फिर अब हमें वही सेम प्रोसेस फिर से दोहराना होगा, यानी तवे के सरफेस को फिर से विम बार लगा कर कपड़े से घिसना होगा। इस बार हमें उतना देर तक तो नहीं करना, लेकिन प्रक्रिया सेम ही होगी और तवे के सरफेस को हमें स्मूथ करना है। अब फिर से इसे रिंस कर लेना है। अब धुले हुए तवे को मीडियम फ्लेम पर रखना है और थोड़ा सा गर्म होने देना है। इसके बाद हमें तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर चॉप्ड अनियन को फ्राई करना है। पर्पस ये है कि तवे का सरफेस अब थोड़ा सा ग्रीसी हो जाए। एक बार तवा सीजन हो जाने के बाद फिर आप केयरफ्री हो जाते हैं और इसकी देखरेख करने में आपको वक्त नहीं लगाना पड़ता। बस ये ध्यान करना है कि जब आप तवे का इस्तेमाल ना कर रहे हों तब आप इस पर मस्टर्ड ऑयल लगा कर रखें ताकि इसमें जंग ना लगे। तो अब तवे पर हमने तेल डाला है और चॉप्ड अनियन डाल दिया है। धीरे धीरे इसे सरफेस पर फैलाते हुए प्याज को पकाना है। हमें प्याज को जल्दी जल्दी नहीं पकाना, बल्कि तवे के सरफेस पर तेल को फैलाना मकसद है। और प्रोसेस थोड़ा धीमा चले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा देर तक इस पर चिकनाई को फैलाते रहने से तवा बहुत अच्छा सीजन होता है। जब एक बार तवा सीजन हो जाए तो ये ध्यान रखना है कि इस पर कभी भी डेली खाने वाली चपाती ना बनाए, वरना यह फिर से रूखा हो जाएगा और डोसा बनने में आपको मदद नहीं करेगा। तो इसे हमेशा इस पर चिकनी ही चीज़ बनाना बेहतर होता है। अब इसके सरफेस को हमने अच्छी तरह से चिकना कर लिया, तो प्याज को डिस्कार्ड कर दें। फिर से एक फोर्क में एक प्याज लगा लें और उससे अब बाकी ग्रीस को तवे पर रब करें। इस तरह करने से तवा और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसे रगड़ रगड़ कर चिकना किया है। ऐसा कर लेने के बाद एक कपड़े से इसका ग्रीस रगड़ कर साफ कर लें और फिर से इसे सिंक में धो लें। वही प्रोसेस रहेगा, मोटे कपड़े पे विम बार लगाकर रगड़ लेना। इस तरह से इसका ग्रीस निकल आएगा और एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाएगा तवा का सरफेस। इसे धोकर रिंस कर लें और अब ये फाइनल प्रोसेस के लिए रेडी हो गया है। धोने के बाद हम फिर से फ्लेम पर तवा को रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर तवा रखें और आपको डेमो देने के लिए मैंने इंस्टेंट डोसा बैटर की तैयारी की है, जिसे मैंने आटे से और दही से बनाया है और उसमें इनो डाला है।
ताकि आप देख सकें कि ये कितना अच्छा, कितना क्रिस्प डोसा तैयार करता है। इसे घोल लें और एक तरफ मैंने मीडियम फ्लेम पर तवा रखा है, उस पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालें। अब इसे टिश्यू पेपर से फैला लें, पूरा सरफेस जो है वो चिकना हो जाए। अब आप देख सकते हैं तवा कितना शाइनी लग रहा है, बिल्कुल खरे सोना जैसा। मुझे तो ये अपने ऑर्नामेंट से भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस पर काम बहुत आसानी से होता है। अब गरम तवे पर थोड़ा पानी का छींटा डालें ताकि बैटर आपका पूरी तरह फैले। गरम तवे पे बैटर अच्छे से फैलता नहीं है। और इसे उठाने के लिए आपको जल्दी नहीं करना है, ना ही खुरच खुरच के इसे पलटना है। डोसा खुद बखुद तवे का सरफेस छोड़ देता है और जहाँ से इसकी किनारी उठे वहीं आप स्पैचुला डालकर इसे पलट लें। आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्प और कितना मज़ेदार सा डोसा तैयार हुआ है। तो देखिए ये रेडी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपकी कुछ मदद करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।